नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और बात करेंगे बुलेटिन में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बता दें आपको कि आज पीएम मोदी बीजेपी के सभागार का उद्घाटन करेंगे और पीएम नई दिल्ली में आवासीय परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। आवासीय परिसर सभागार का बड़ी बैठकों में इस्तेमाल होगा। आवासीय परिसर में बीजेपी नेताओं के रहने की सुविधा भी होगी। बता दें कि कार्यक्रम का समय जो है वो शाम 6:30 बजे रखा गया है, यानी कार्यक्रम शाम 6:30 बजे होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के आवासीय परिसर और सभागार का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी मुख्यालय के ठीक सामने बने आवासीय परिसर और सभागार का इस्तेमाल पार्टी की बड़ी बैठकों और पार्टी के वरिष्ठ प्रचार नेताओं के लिए किया जाएगा। संगठन महासचिव मंत्री स्तर के नेताओं को बीजेपी के अपने आवासीय परिसर में रहने की सुविधा होगी। 28 मार्च को प्रधानमंत्री बीजेपी दिल्ली प्रदेश कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और साथ ही बीजेपी मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर दीनदयाल मार्ग पर दिल्ली बीजेपी कार्यालय भी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम स्थल शाम 6:30 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है उनके कार्यक्रम स्थल पर और इस कार्यक्रम के लिए सभी केंद्रीय मंत्रियों, बीजेपी सांसदों और पदाधिकारियों को न्योता दिया गया है जिनको प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। तो 26 मार्च को पीएम मोदी ने कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया था और अपने उद्घाटन भाषण में पीएम ने कहा कि भारत ने अपने आजादी का अमृत महोत्सव में एक विकसित देश होने की दिशा में चलने का संकल्प लिया है। इससे पहले 26 मार्च को पीएम ने कर्नाटक में बेंगलुरु मेट्रो की कृष्णा राजपुरा लाइन के लिए व्हाइट फील्ड का भी उद्घाटन किया था। और अब बात आज की एक और बड़ी खबर की। आपको बता दें कि आज माफिया थी की कोर्ट में पेशी है। जी हां, प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में आज फैसला सुनाया जाएगा। उमेश पाल अपहरण के मामले में अदालत में पेशी है अतीक की। अतीक के भाई को बरेली की जेल से लाया गया है। अशरफ के खिलाफ भी कई मामलों में केस दर्ज है। तो आज प्रयागराज कोर्ट में अशरफ की भी पेशी होगी और आज माफिया अतीक अहमद की प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। राजूपाल हत्याकांड में गवाह उमेश पाल अपहरण के मामले में अदालत में पेशी के लिए माफिया अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अहमदाबाद जेल से 27 मार्च को करीब 5 बजे प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल लाया गया है। अतीक को आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस की कड़ी निगरानी में अतीक के काफिले को दूसरे गेट से अंदर प्रवेश कराया गया और जेल पूरी छावनी में तब्दील हो चुकी थी। अहमदाबाद जेल से लगभग, आपको बता दें कि 23 घंटे का सफर अतीक का दहशत के साए में कटा। उसे और उसके समर्थकों को रास्ते में गाड़ी पलटने की आशंका बनी हुई थी। जानकारी के मुताबिक अतीक को जिस हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है वहां सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा उसके बैरक के बाहर जिन सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है उनकी पहले ही कुंडली खंगाल ली गई है कि अतीक से कहीं कोई इनका संबंध तो नहीं है। अतीक का बेटा अली अहमद भी इसी जेल में बंद है। जेल प्रशासन ने उसके बैरक को बदल दिया है। हालांकि अली को भी हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। बरेली जेल से अशरफ को भी पुलिस की कड़ी सुरक्षा में नैनी जेल लाया गया है। अब ना गाड़ी पलटेगी ना कोई वहाँ पे एक्सीडेंट होगा, ये हमें उम्मीद है। और ये बातें किसने करी थी? ये तो एक मंत्री ने कहा था गाड़ी पलट सकती है, एक एमपी ने कहा था, मुख्यमंत्री जी ने खुद ये कहा था हादसा तो हो ही सकते हैं, तो इसलिए ये बातें की जा रही थी। हमारा तो सिर्फ ये कहना है कि देश के अंदर एक लॉ सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत हर आदमी को फॉलो करना चाहिए। अदालतें फैसला करें कि किसको क्या सजा मिले। मैं अतीक के गुनाहों के पर पर्दा नहीं डाल रहा हूँ। जो भी गुनाह किया सजा दीजिए, सख्त से सख्त सजा दीजिए, नहीं छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन कानून के तहत ही दीजिए और ये ना हो कि गाड़ी पलटे। मिलाने का जो मुख्यमंत्री ने कहा था वो एक कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया जो होते हैं वो संविधान से बंधी होती है और उसके तहत जो कानूनी प्रक्रिया के तहत मिट्टी में मिलाया जाएगा और जिसमें उनको जेल होती है, कारावास होता है, उम्र कैद होती है, कानून उसका निर्णय करता है।
तो अतीक के भाई को बरेली की जेल लाया गया है, अतीक को यहाँ पर रखा गया है। तो अशरफ के खिलाफ भी कई मामलों में दरअसल केस दर्ज हैं और आज का दिन बेहद खास क्योंकि प्रयागराज कोर्ट में अशरफ की भी पेशी होनी है और साथ ही साथ आज माफिया अतीक की भी कोर्ट में पेशी होनी है। तो प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में आज फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। उमेश पाल अपहरण के मामले में अदालत में आज पेशी है माफिया अतीक अहमद की। अतीक के भाई को भी बरेली की जेल से लाया गया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, अशरफ के खिलाफ भी कई मामलों में केस दर्ज है, आज प्रयागराज कोर्ट में अशरफ की भी पेशी होगी। तो आज का दिन बेहद खास है, बेहद अहम है। आपको बता दें कि 17 साल पुराने केस में पेशी है। 2006 में अतीक अहमद पर उमेश पाल किडनैपिंग का आरोप जो था वो लगा था, वो था साल 2006 जब अतीक अहमद पर ये आरोप लगा। 2007 में अतीक और उसके भाई के खिलाफ अपहरण का केस जो था वो दर्ज हो गया, यानी ठीक एक साल बाद 2007 में अपहरण का केस जो था वो दर्ज हुआ अतीक और अतीक के भाई के खिलाफ। इसके अलावा 2019 आते आते सुप्रीम कोर्ट ने अतीक को साबरमती शिफ्ट करने को कहा था, 2019 में, कि बाहुबली अतीक अहमद को साबरमती जो था वो शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा 2023 में आपको बता दें कि 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हो जाती है और अतीक को भी इसमें मेन आरोपी बनाया गया कि अतीक के गुर्गों ने ही उमेश पाल को मौत के घाट उतारा है। विधायक राजू पाल की हत्या में मुख्य गवाह थे उमेश पाल, एकमात्र वही एक ऐसा शख्स था जो मुख्य गवाह था, जो गवाही देता इस डॉन के खिलाफ, लेकिन उससे ही पहले उसका मर्डर कर दिया गया। बता दें कि 2023 में ही 24 मार्च को अतीक को प्रयागराज लाने के लिए एसटीएफ जो थी वो अहमदाबाद के लिए रवाना हुई। एसटीएफ की पूरी टीम अहमदाबाद पहुंची अपने पूरे अमले के साथ और वहीं 27 मार्च को एसटीएफ की टीम अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज जो थी वो पहुंची। तो फिलहाल ये माफिया अतीक प्रयागराज में है और आज 17 साल पुराने केस में आज इसकी पेशी होनी है, यानी कि आपको बता दें कि आज उमेश पाल किडनैपिंग केस में कोर्ट में पेशी है। और अब देखना होगा कि वो, पहले खबरें भी आ रही थी कि शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसको पेश किया जाएगा, लेकिन अब खबर यह है कि उसको डायरेक्टली वहां पर ले जाया जाएगा। तो उमेश पाल का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, उमेश पाल के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। अतीक की कोर्ट में पेशी के मद्देनजर भारी सुरक्षा बल वहां पर तैनात किया गया है, क्योंकि आपको बता दें कि उमेश पाल एकमात्र एक ऐसा गवाह था जो लगातार अपनी गवाही पर अड़ा हुआ था और जिसने किसी भी डर के आगे खुद को झुकाया नहीं। लेकिन अफसोस कि उमेश पाल को इस पेशी से ठीक कुछ दिन पहले मौत के घाट उतार दिया गया और वो आरोप तमाम अतीक के गुर्गों पर लगा, अतीक पर लगा कि, और लिहाजा आज क्योंकि पेशी है। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि प्रयागराज, जिस प्रयागराज में तूती बोलती थी अतीक अहमद की, उसी प्रयागराज में अब अतीक भी मौजूद है, उसी प्रयागराज में अतीक का भाई अशरफ भी मौजूद है। तो इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि जो पूरा एक नेटवर्क है, इस जो ये सरगना है तमाम गुर्गों का, वो तमाम लोग भी एक्टिव है। लेकिन ऐसे में उमेश पाल के घर पर कुछ ना हो तो लिहाजा उमेश पाल के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। आप देखिए किस तरीके से कोर्ट में आज सुनवाई है, लेकिन सुनवाई के मद्देनजर उमेश पाल के घर के चारों तरफ पुलिस की चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। तो प्रयागराज की ये तस्वीरें, जहां पर ये जो आप घर की गली देख रहे हैं बाहर सड़क पर, ये उमेश पाल के घर के बाहर की गली है। इसी गली से अंदर होकर के रास्ता जो है वो जाता है उमेश पाल के घर पर, लेकिन यहां पर पुलिस ने इस इलाके को पूरे छापनी में तब्दील कर दिया है क्योंकि उमेश पाल के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो आज एक तरफ कोर्ट में सुनवाई, क्योंकि अगर हम बात करें बाहुबली या फिर अतीक अहमद की बहनों की, तो अतीक का परिवार लगातार ये कह रहा है कि उनके भाई की कोई गलती नहीं है, उनको फंसाया जा रहा है जानबूझ करके। लेकिन वहीं जो उमेश पाल की माँ है और जो उनकी धर्मपत्नी है, वो ये चाहती है कि मौत से कम सजा ना हो, क्योंकि जो उमेश पाल के साथ हुआ वही अतीक अहमद के साथ होना चाहिए। चलिए, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं। और अब बात करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू की। राष्ट्रपति मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे का आज आखिरी दिन है। आपको बता दें कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आज वो शामिल होंगे अपने आखिरी दौरे के दौरान। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर विश्व भारती में सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। बेलूर मठ और नेताजी के पैतृक आवास का भी वो दौरा करेंगे। तो राष्ट्रपति के पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे का आज आखिरी दिन है। वहीं राष्ट्रपति विश्व भारती विश्वविद्यालय के पारंपरिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर विश्व भारती के विनय भवन मैदान में उतरेगा। वहां अस्थायी हेलीपैड की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर विश्व भारती को कड़ी सुरक्षा के घेरे में रखा गया है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी पहले ही सुरक्षा का जायजा ले चुके हैं। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का ट्रायल पहले ही हो चुका है। विश्व भारती में भी राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं।
वीरभूम में सांपों का बहुत ही प्रकोप है, इस कारण सुरक्षा को देखते हुए सपेरों को भी बुलाया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा बहुत ही सख्त कर दी गई है। कोलकाता दौरे के दौरान राष्ट्रपति बेलूर मठ से लेकर नेताजी के पैतृक आवास का भी दौरा करेंगे। और आज एक और अहम खबर है, आपको बता दें कि आज गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष जो है वो विरोध प्रदर्शन करेगा। संसद में गांधी प्रतिमा के सामने काले कपड़ों में हंगामा होगा। 27 मार्च को ही विपक्षियों की बैठक में ये फैसला लिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के 3 दिन बाद विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ हमला तेज कर दिया है। और 27 मार्च को लोकतंत्र के लिए काला दिवस मनाया गया। और आज बता दें आपको कि ये तमाम पूरा विपक्ष जो है प्रदर्शन करने की तैयारी में है। दरअसल सूरत कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के 1 दिन बाद 24 मार्च को राहुल गांधी की संसद की सदस्यता से अयोग्य उन्हें घोषित कर दिया गया था। 27 मार्च को काले कपड़े पहने विपक्षी सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया और इस वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। बाद में विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और विजय चौक तक मार्च निकाला और गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी ने संसद में विपक्ष के हंगामे की निंदा की और कांग्रेस पर ओबीसी समुदाय के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी को सही ठहराने की कोशिश में निम्न स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाया। 27 मार्च की देर शाम यानी कि कल शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कई विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ और अडानी समूह से जुड़े मामले में संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। तो आज गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष जो है वो प्रदर्शन करने की तैयारी में है। गांधी प्रतिमा के सामने काले कपड़ों में ये हंगामा होगा। तो आज गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष जो है वो प्रदर्शन करने जा रहा है। 27 मार्च को ही विपक्षियों की बैठक में इस बात का फैसला लिया है कि आज गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष विरोध प्रदर्शन करेगा। और अब बात दिल्ली विधानसभा की। बता दें आपको कि आज दिल्ली विधानसभा में अडानी मुद्दे पर चर्चा होगी। जी हां, पक्ष विपक्ष के नेता अपनी अपनी बात रखेंगे। विधानसभा की कार्यवाही को 29 मार्च तक के लिए बढ़ाया गया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, आज दिल्ली विधानसभा में अडानी मुद्दे पर चर्चा होगी। तो आज दिल्ली विधानसभा में भी हंगामे के आसार हैं, क्योंकि पक्ष विपक्ष के नेता जो है वो आज अडानी मुद्दे पर अपनी अपनी बात रखेंगे। विधानसभा की कार्यवाही को फिलहाल 29 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो लिहाजा आज दिल्ली विधानसभा में अडानी मुद्दे पर चर्चा होगी। तो देखना होगा कि जब पक्ष विपक्ष के नेता अपनी अपनी बात रखेंगे तो कौन किसके फेवर में जाता नजर आता है और कौन चाहता है कि जांच हो या फिर कौन इसमें कांग्रेस का साथ देता हुआ नजर आता है, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रही है। जेपीसी की मांग लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। हेलो इंडिया में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दरअसल आज हम बात कर रहे थे दिल्ली विधानसभा की, तो बता दें आपको कि आज दिल्ली नगर निगम का बजट भी पेश किया जाएगा। और बजट से एक दिन पहले निगम सचिव को रिटायरमेंट दे दी गई है और चुनाव के बाद पहली बार नगर निगम का बजट जो है वो आज पेश होने जा रहा है। आज दिल्ली नगर निगम का बजट पेश होना है। दिल्ली के 3 नगर निगमों के एकीकरण के बाद हुए चुनाव के बाद पहली बार दिल्ली नगर निगम बजट पेश किया जाना है। इसके साथ ही बजट से एक दिन पहले निगम के सचिव भगवान सिंह को रिटायरमेंट दे दी गई और स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शन के दौरान ये काफी विवादों में रहे थे। तो बजट से पहले आपको बता दें कि एक दिन पहले निगम सचिव को रिटायरमेंट दे दी गई है। चुनाव के बाद पहली बार नगर निगम का बजट पेश होने जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि वो अरविंद केजरीवाल सरकार जो फिलहाल नगर निगम पर काबिज है, क्योंकि बड़े बड़े दावे एमसीडी इलेक्शन के दौरान, एमसीडी के चुनाव के दौरान और साथ ही साथ जब जीत हासिल हुई आम आदमी पार्टी को उसके बाद भी किए गए हैं, लेकिन आज जब चुनाव के बाद पहली बार नगर निगम का बजट पेश होगा तो देखना होगा कि आखिर इस बजट में दिल्ली वासियों के लिए दिल्ली सरकार क्या कुछ खास लेकर आई है। और अगली खबर उत्तराखंड से है। बता दें आपको कि आज से 30 मार्च तक उत्तराखंड में G20 सम्मेलन होने जा रहा है। रामनगर में G20 की तैयारियों को पूरा कराया गया है। G20 कार्यक्रम में करीब 100 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी और संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। तो आज से 30 मार्च तक उत्तराखंड में G20 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और वहीं उत्तराखंड के रामनगर में G20 समिट की तैयारियों को पूरा कराया गया है। G20 के सदस्य अमेरिका, जापान समेत अन्य देशों से करीब
100 प्रतिनिधि रामनगर में आयोजित होने वाली समिट में हिस्सा लेंगे। बता दें कि उत्तराखंड में आज से शुरू होने वाली G20 देशों के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की बैठक के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज से 30 मार्च तक समिट का आयोजन होना है। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस 3 दिवसीय G20 बैठक में 13 देशों के वैज्ञानिक शामिल होंगे। चार धाम यात्रा को लेकर हमारी सभी तैयारियां ऑलमोस्ट इस बार बहुत पहले ही हमने शुरू कर दी है। जो चार धाम की तैयारियां हमारी अंत में आकर होती थी, वो इस बार हमने जनवरी माह से और मैं कहूँ तो नवंबर माह से ही, जैसे ही कपाट बंद हुए थे उसके तुरंत बाद ही हमने करना प्रारंभ कर दिया था। और आज भी इसको लेकर सभी विभागों के लिए, मुख्य रूप से पर्यटन विभाग और अन्य विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए आज प्रातःकाल भी हमने बैठक करी है। और जो महापंचायत के लोगों की शंका है या जो भी उनकी उनका जो सोच है, उसी सोच के अनुरूप हम लोग यात्रा को संचालित करेंगे। और महापंचायत के लोगों के जो उनकी मांग है या जो चाहते हैं वह भी, और दूसरा यात्रा भी सुव्यवस्थित हो, सुचारू रूप से हो, किसी आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। अत्यधिक जो दबाव होता है उस दबाव को भी ठीक प्रकार से नियंत्रित करना है, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए काम करना है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे बम्बई सरकार की। राज्य की बम्बई सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुसलमानों के लिए 4% ओबीसी आरक्षण को भी खत्म करने का फैसला लिया है। उन्हें अब 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS श्रेणी में ले जाया जाएगा। नए फेरबदल के साथ अब मुसलमानों को EWS कोटे का लाभ मिलेगा, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, मुदलियार, जैन और अन्य समाज शामिल है। कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम मुंबई ने कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों का कोटा समाप्त कर दिया गया है। आगे बिना किसी बदलाव के EWS ग्रुप के 10% पुल में शामिल किया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला EWS कोटा 10% है। अब ये नई सिफारिशें राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजी जाएंगी। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलते ही इन्हें लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने विधानसभा से महीने भर पहले ये घोषणा की है। वहीं विपक्ष ने इस फैसले को सांप्रदायिक रूप से प्रेरित और चुनावी हथकंडा कहा है। विपक्ष ने कहा कि ये कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा, लेकिन बसवराज बुम्बई का ये कहना है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का किसी भी राज्य में कोई प्रावधान नहीं है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बसवराज बुम्बई के नेतृत्व वाली सरकार ने मुसलमानों के लिए आवंटित 4% आरक्षण को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही राज्य के आरक्षण कोटा में बड़े बदलाव भी कर दिए गए हैं। एससी को 17% आरक्षण देने का फैसला लिया गया है और वहीं लिंगायत व कलिंगा समुदाय के लिए आरक्षण में बढ़ोतरी की गई है। मुंबई सरकार ने आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 56% कर दिया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। ओवैसी ने बीजेपी सरकार के इस फैसले को मुस्लिम विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक बीजेपी ने गरीब मुसलमानों का 4% आरक्षण खत्म कर दिया। इसे वो कलिंगा और लिंगायत में बांट दिया गया है जो प्रमुख अगड़ी जातियां हैं, उन्हें तो पहले से ही कोटा मिल रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस फैसले पर कांग्रेस और JDS भी खामोश है। उन्हें बताना चाहिए कि उनका क्या स्टैंड है। उधर कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के शिवमोगा स्थित घर पर हमला किया गया है। आरक्षण से संबंधित मुद्दे का विरोध कर रहे बंजारा समुदाय के लोगों ने उनके घर पर पथराव किया और जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और साथ ही येदियुरप्पा के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर कर दिया। आपको बता दें कि SC ST समुदाय को दिए गए आरक्षण में आंतरिक रिजर्वेशन को लेकर बंजारा समुदाय ने आपत्ति जताई थी। इससे पहले प्रदेश की बीजेपी सरकार ने अनुसूचित जाति समुदाय को 17% रिजर्वेशन दिया था, उसे आंतरिक रूप से बांट दिया गया है। राज्य सरकार का ये फैसला सदस्यता आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया है। बंजारा समुदाय के मुखियाओं का कहना है कि सदाशिव आयोग की सिफारिश से उनके समुदाय को नुकसान होगा और राज्य सरकार ने इस फैसले को लागू करने की जो सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है उसे तुरंत वापस लेना चाहिए। तो फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन हेलो इंडिया में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।